नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। हमारे साथ बलवान फौजी खास बातचीत में जुड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जिला महेंद्रगढ़ से। ताल ठोक रखी थी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, गांव गांव में गए, एक बार नहीं सैकड़ों बार लोगों के बीच में, घर घर पे पहुंचे हैं, लोगों के घर गए, गांव में गए, लोगों से मिले हैं। फौजी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव संपन्न हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से जिला महेंद्रगढ़ का, क्या कहेंगे इसको लेके? लांबा साहब, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को पहले तो मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद। दूसरा, लोकतंत्र के इस पर्व में जब हर व्यक्ति ने मतदान किया, मेरे ख्याल से 64% या उससे ज्यादा है कुछ के आसपास, महेंद्रगढ़ की जनता ने अपना जो प्रतिनिधि है वो डब्बे में बंद कर दिया है और 8 तारीख को वो जनता के सामने आएगा। और जी साहब, कभी ऐसा लगा कि महेंद्रगढ़ कहीं ना कहीं इतनी बम्पर वोटिंग करने वाला है? लगभग 66% वोटिंग हुई है जिला महेंद्रगढ़ की, और 66 की माने तो बहुत ही कम शहरों में, सिर्फ 4 हरियाणा में, 22 जिलों में 4 जगह ऐसा है जहां 66% है, बाकी सब नीचे हैं महेंद्रगढ़ जिले से सारे जिले। मैं वही बताने वाला था आपको कि किसान और जवान ने खेत का टाइम होते हुए भी इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया है और बहुत बहुत अच्छी तरह से चुनाव वायर में हर बूथ पे गया हूँ लगभग, मगर मैं कहीं नहीं जा पाया हूँ तो 10-5 गांव में मेरी टीम गई है सर जी। और उसके बाद क्या, मैं जब अंदर गया तो सब एजेंट बाहर बैठा रखे थे, लगभग पहली बार ऐसा देखा, बाहर भी कोई समझाने वाला नहीं था कि आपने वहां डालना है या वहां डालना है जी जी। तो अब की बार जो मतदान हुआ है वो स्पष्ट हुआ है, क्लियर हुआ है, इसमें किसी भेदभाव या किसी की वो नहीं हम कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है जी कि महेंद्रगढ़ की जनता ने अपना सहनशाह चुन लिया है। मुझे सब क्या लगता है महेंद्रगढ़ में, क्या अभी आपने बताया महेंद्रगढ़ का बहुत ही जिले का बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, बिल्कुल फेयर हुआ है, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये आपने कहा, बहुत अच्छा चुनाव मानता हूँ, पहली बार महेंद्रगढ़ का, आप ये आप खुद उम्मीदवार हैं, आपने माना है इन सब चीजों को, तो आपको क्या लगता है वास्तव में कुछ महेंद्रगढ़ में कुछ नया देखने को मिलेगा, या फिर राव दान सिंह, या फिर हम चुनाव की बातचीत करें, ज्यादातर फोकस 3 कैंडिडेट पे लोगों का देखा गया हमने, या तो कौर सिंह यादव का नाम निकल के आया, या फिर संदीप वैश्यम सिंह का नाम निकल के आया, या फिर राव दान सिंह का नाम निकल के आया, तो क्या लगता है ये तीनों के बीच में ही चुनाव कुछ ज्यादा देखने को मिला? भाजपा और कांग्रेस की इसमें टक्कर रही है और इसमें कुछ परसेंटेज बलवान फौजी को भी मिले हैं जो कि मुझे, और टक्कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में थी। एसडीएम संदीप जी का बस्ता बंद हो चुका है जी, आपके सामने रिजल्ट आएगा, और कंवर सिंह जी और राव दान सिंह, और तीसरे नंबर पर आज की तारीख में जो लोगों का आकलन है, जिस प्रकार से लोगों ने मुझे बताया है कि ये आकलन हमारा 25,000 से 30,000 वोट बलवान फौजी को आने वाला है, क्या पता बलवान फौजी को भी बम्पर वोट दे रखे हों, क्योंकि किसी को ना भाजपा का पता है ना कांग्रेस का पता है, सिर्फ आकलन लगा रहे हैं जी। फौजी साहब, सबसे खराब बात चुनाव में क्या रही एक महीने में आपके साथ, और सबसे अच्छी बात क्या मानते हो इस चुनाव को ले एक महीने के दौरान आपके साथ? सबसे अच्छी चीज ये है कि जहां भी हम जनता के पास जाते थे, लोगों ने ये कहा कि हाँ हम आपको बहुत चाहते हैं, आप बहुत काम करते हो, आपने बहुत प्यार मान सम्मान दिया है, और जो गलत बात लगी, लोग पिछले 5 दिन से ये कहने लग गए थे कि हम बलवान फौजी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो निर्दलीय है और निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं पाएगा, जिस वजह से, और हर बार पिछली बार संदीप एसडीएम पहली बात साबित हुई थी कि यार निर्दलीय है जीतेगा नहीं, इसलिए ये चीजें नुकसान करती है। पिछली बार संदीप सिंह एसडीएम लगभग 33,000 से ज्यादा वोट लेके गए थे जोश के साथ उफान पे थे, तो क्या क्या रहने वाला है, क्या वास्तव में ये 33,000 क्रॉस करने वाले हैं, या फिर कुछ और कुछ देखने को मिला जिला महेंद्रगढ़ में, क्या सोचते हैं आप? नहीं, संदीप सिंह एसडीएम जी के तो 33,000 तो बहुत दूर की बात है जी, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है, और जो भी होगा वो आपके सामने 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो फौजी साहब, इसमें आपके साथ क्या बुरा अच्छा ही तो आपने बताई, कुछ इस चुनाव का कुछ साझा कीजिए, जनता चुनाव को सुन रही है हरियाणा की, जिला महेंद्रगढ़ की, और आप बेबाक बोल रहे हैं सबको, आपने टंकी की चोट पे और बेबाक तरीके से ताक पे रखा है सबको, किसी का आपने किसी के खिलाफ भी खुल के दाड़े हैं आप, किसी का कोई किंतु परंतु नहीं, और आपने वो बोला जो आपके दिल में आया, और जनता के सामने अच्छे तरीके से आप
पेश आया जनता के, आपके भाषण भी अच्छे लगे आपका, तो सबसे बुरी चीज भी बता दीजिए कुछ साझा कीजिए हमारे। बुरी चीज यही मैंने आपको बताया कि जनता ने हमेशा यही कहा, जैसे वोटिंग का टाइम आया तो बलवान फौजी जीतेगा नहीं, बलवान जी वोट देना चाहते हैं, लेकिन बलवान फौजी को जब वोट देंगे तब जीतेगा ना, लेकिन जनता ने ये कहा कि अच्छा आदमी हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन वोट 50% लोगों ने ये कहा कि हम वोट देना चाहते हैं। अरे 50% ही आप दे देते तो बलवान फौजी एक तरफा जीत रहा था जी, लेकिन वो चीजें एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बड़ा नुकसान करती हैं सर। तो फौजी साहब क्या लगता है हरियाणा प्रदेश में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, या फिर भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है आपकी नजर में? इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा और कांग्रेस का दोनों का ही संपूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी, निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ेगी सर जी। तो फौजी साहब ऑल ऑफ आप हरिवाल क्षेत्र से आप खुद आते हैं और आपकी 14-15-16 सीटें हैं, तो हरिवाल क्षेत्र अक्सर बीजेपी की नैया पार लगाता है, दो बार हरिवाल क्षेत्र की वजह से बीजेपी ने सत्ता हासिल की, क्या लगता है आपकी बार क्या वास्तव में ही 12-13-14 सीटें यहाँ से दोबारा तीसरी बार आप दे रहे हैं बीजेपी सरकार को? नहीं, वो मैंने बताया ना, ना आपकी बार भाजपा की ना कांग्रेस की, किसी की एक तरफा लहर नहीं थी, किसी की एक तरफा सरकार नहीं बन रही है, सब निर्दलियों पर टिके हुए मिलेंगे आपको जी। नहीं, हम खाली अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें तो यहाँ पे अहिरवाल में भी बट के अहिरवाल में बट के जाएंगे जी। जी, तो ऑल ओवर हरियाणा में आपको क्या लग रहा है कि निर्दलीय का सहयोग हर जो भी सरकार बनाएगी उसको लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार। तो आपने भी काफी राव साहब के और कहीं ना कहीं रामविलास तो फिर नहीं खड़े हो पाए प्रोफेसर साहब, खूब खुल के आपने दहाड़ा बोला भाई, एक तो चला गया, एक कोर पार कर दो, क्या पार होने वाले हैं या फिर कहीं ना कहीं राव दान सिंह? नहीं, राव दान सिंह तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर, ओके ओके। तो कुछ और कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को? बुरी तरह आ रहे जी। तो कुछ और कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, क्योंकि जिस हरियाणा में जो मतदान किया, मारपीट की, कहीं कोई चक्कूबाजी का, कहीं कहा कपड़े फाड़ने का, क्योंकि ये कई ऐसी चीजें आई सामने निकल के आई। पूरे हरियाणा प्रदेश को बताना चाहता हूँ, राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करो, राजनीति के चक्कर में आपस में भाई भाई लड़ाई ना करो, कोई नेता किसी काम के नहीं आते, कोई नेता आपकी तारीख नहीं भुगते, कोई नेता आपको आकर के ये नहीं कहे पर कोर्ट केस हो गया, थाने में हो गया, लाओ मैं फोन कर देता हूँ, चुनाव खत्म होने के बाद सब फोन नहीं उठाते, इधर उधर अपना रास्ता नाप लेते हैं। फौजी साहब मेरा एक सवाल और रहेगा, हमारे साथ बलवान फौजी खास बातचीत में बने हुए हैं, महेंद्रगढ़ जिले से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे ये, और पिछले 5-10 साल से लगातार जनता के बीच रहे, उन्होंने आवाज उठाई है, सड़कों पे लटकाए हैं, सड़कों के साथ लोगों के साथ बैठे रहे और खुद निर्दलीय प्रत्याशी के। फौजी साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा, अगर आप चुनाव जीतते, किसी पार्टी से होते चुनाव जीत जाते तो आप सेलिब्रेशन कैसे मिलाते? जीत जैसे 8 तारीख को जीत की घोषणा होगी और उनमें से 90 कैंडिडेट जीतेंगे, 90 हारेंगे, तो जीतने वाले कैंडिडेट में आप अगर होते आप अपना सेलिब्रेशन कैसे मनाते अपनी जनता के साथ, आपके सपोर्टर आपके वोटर के साथ? मैं तो जिस प्रकार घर घर जाकर के वोट मांगा है उसी प्रकार घर घर जाकर के धन्यवाद करता हर व्यक्ति के साथ बैठ करके और उसके साथ सेलिब्रेशन करता, चाहे उसमें टाइम लगता कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करते जी। तो क्या लगता है अभी वहां से जीत के निकलेंगे? कई जगह गोली चलाने की जैसे वारदातें पहले भी चुनाव में हुई हैं, कोई गुलाल डाल रहा है, कोई पटाखे चला रहा है, कोई बुलेट मोटरसाइकिल किसी के घर के सामने, कोई दारू की बोतलें खाली करके फेंक रहा है, हमारा जीत गया तूने वोट नहीं दिए, ये ऐसी घटनाएं अक्सर हर चुनाव में जब कैंडिडेट जीत के बाहर निकलता है तो हजारों की संख्या में भीड़ होती है और भीड़ भी इस तरीके की होती है, उसमें कई आवारागर्दी करने वाले होते हैं, पूरे हरियाणा की जनता सुन रही है अभी, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? क्योंकि जीतना एक अलग मैटर है, भाईचारा बनाना और आवारागर्दी करने वाले समाज में जो कुछ अलग तरीके के लोग होते हैं जो अक्सर समाज को गिराना चाहते हैं, तो इन लोगों से कुछ परहेज करें, कुरेज करें, तो क्या कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे भाई इस तरीके से? सेलिब्रेशन मिला ये, लेकिन एक मान मर्यादा एक अपने दायरे में रह के। ये जो नेता होते हैं इनके साथ कुछ शरारती तत्व के लड़के जुड़े होते हैं, शरारती तत्व के लोग जुड़े होते हैं, शरारती तत्व के व्यक्तित्व से जो अपराधी छवि के लोग रहते हैं या फिर कोई असामाजिक तत्व होते हैं, वो लोग दूरी बना के रखनी चाहिए, नेताओं को उनसे
कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो बता रहे हो कि ठीक है सेलिब्रेशन करो आप, लेकिन दूसरे के घरों में बोतलें फेंकना, दूसरे के गाली देना कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये चीजें शोभा नहीं देती, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो फौजी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय लिया, आप एक महीने से लगातार दुखी थे, आज पूरे दिन बूथों पे घूम रहे थे, आपसे बातचीत की, आपसे साझा की, बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हरियाणा न्यूज 24 प्लेटफॉर्म पे आए आप, बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब, थैंक यू। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।